हेलो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है दीदी की शादी। कल दीदी की शादी थी, आज दीदी की विदाई है। घर में सभी दुखी हैं। ढोलू चुपचाप एक कोने में बैठा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे दीदी से बिछड़ने का दुख है। पापा ने बहुत सारी नई चीजें खरीदी हैं, पलंग, अलमारी, टेबल, सिलाई मशीन और भी न जाने क्या क्या। ये सभी सामान पापा गाड़ी में रखवा रहे हैं। उन्होंने ढोलू को आवाज़ लगाई और नए बर्तन उठाकर लाने के लिए कहा। ढोलू ने पापा से पूछा, ये सारा सामान कहाँ जाएगा? पापा ने बताया, ये सब सामान जमाई बाबू के घर जाएगा। मगर क्यों? ढोलू ने फिर पूछा। बेटा, शादी में ये सब सामान दिया जाता है, पर पापा दीदी भी जाएंगी और इतना सारा सामान भी। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है, ढोलू कुछ सोच कर बोला। तो क्या जीजा जी के घर वाले भी हमें इतना सारा सामान देंगे? ढोलू की बात सुनकर पापा सोच में पड़ गए। तो बच्चों, ये बताओ, पापा ने कौन कौन सी नई चीजें खरीदी थी? जीजा जी भी हमें इतना सारा सामान देंगे, ढोलू ने ऐसा क्यों कहा? साथ ही ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।